Hey guys, welcome to StudyIQ. मैं हूँ प्रशांत धवन. World's highest battlefield, Siachen base camp, अब खोल दिया गया है tourism के लिए. Now discuss करेंगे इसकी significance क्या है. Siachen basically located कहाँ पर है, ये UPSC perspective से मैं कहूँगा एक बहुत ही ज़्यादा important development है. So a lot to know, a lot to discuss as always. But before we begin, StudyIQ आपके लिए लेके आया है दिवाली सेल, जहाँ पे आपको major discount मिलेगा on various pen drive and Android courses. आप जा सकते हैं studyiq.com पे. यहाँ पे आपको वेरियस एग्जाम्स के, वेदर इट इज SSC, UPSC, स्टेट PCS कोर्सेज, इनके पेन ड्राइव और एंड्रॉयड कोर्सेज मिलेंगे. इनको आप परचेज कर सकते हैं यहाँ से, या फिर आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं 9580048004 फॉर मोर इन्फॉर्मेशन. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहता हूँ कि आप फिजिकल मैप पे सियाचिन ग्लेशियर है कहाँ पर, ये कितना डिफिकल्ट टेरेन है, इसको आप समझ पाए, इससे आपकी जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है काफ़ी हद तक बिल्ड होगी. नाउ यहाँ पे आप देखेंगे ये है हमारा प्यारा भारत, और जो नॉर्दर्न यहाँ पर एरिया है यहाँ पे आपको दिखेगा सियाचिन ग्लेशियर. थोड़ा जूम इन करता हूँ आपके लिए, अभी एक पॉलिटिकल मैप अलग देखेंगे, मगर यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि आप समझ पाएँ कि ये पूरा एरिया कितना डिफिकल्ट है, कितना ज़रा मुश्किल होता होगा यहाँ पे ऑपरेट करना. सो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे दिस इज सियाचिन ग्लेशियर, और यहाँ पे आप अगर आगे देखें तो वहाँ पे चाइना की टेरिटरी आती है, या फिर आप कह सकते हैं चाइना ने जो तिब्बत को ऑक्यूपाई कर रखा है ये टेरिटरी आती है. सियाचिन ग्लेशियर स्ट्रैटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे इंडिया को एक अपर हैंड मिलता है. आपको पता होगा कि सियाचिन ग्लेशियर में आज के टाइम में इंडियन आर्मी डिप्लॉयड है. ये दुनिया का हाईएस्ट बैटलफील्ड है. सिंस इंडियन आर्मी सियाचिन ग्लेशियर में डिप्लॉयड है, तो अगर मान लीजिए पाकिस्तानी आर्मी यहाँ से, या फिर इवन चाइनीज आर्मी यहाँ से आती है, तो उनको आराम से एलिवेशन के थ्रू हम काउंटर कर सकते हैं. इंडिया की स्ट्रेटेजिक नीड के लिए सियाचिन ग्लेशियर एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉर्नर स्टोन है. अब एक और मैप है, वहाँ पर आप सियाचिन ग्लेशियर की जो पोजिशन है और अच्छे से समझ पाएंगे. नाउ ये आपके सामने मैप है ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. मैं ये वीडियो ऑफ कोर्स बना रहा हूँ 31 अक्टूबर से पहले, तो अभी बाइफर्केशन और यूनियन टेरिटरीज़ का भी कन्वर्जन अभी हुआ नहीं है प्रॉपरली, तो ऑफिशियली भी हुआ नहीं है, तो मैं इसलिए अभी इसको जम्मू कश्मीर स्टेट ही बुलाऊंगा. नाउ यहाँ पे आप देखेंगे ये जो एरिया है यहाँ पर, ये पाकिस्तान ने कैप्चर कर रखा है, ये अक्साई चिन्ह है, ये चाइना ने कैप्चर कर रखा है. फिर आप देखेंगे यहाँ पर ये जो हमारा अभी के लिए जम्मू एंड कश्मीर है, और ये जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, यहाँ पर जो ये रीजन है ना, ये है सियाचिन ग्लेशियर. ऑलराइट, हम इसकी यहाँ पर बात कर रहे हैं, जो मैंने आपको बड़े मैप में भी एरिया दिखाया था, दिस इज़ द सियाचिन ग्लेशियर. आप नोटिस करेंगे ये इंडिया चाइना बॉर्डर और इंडिया पाकिस्तान जो आप कह सकते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल है, इसके बहुत ही ज़रा करीब है. नाउ सियाचिन ग्लेशियर की हिस्ट्री भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है. 1947 में आपको बताया कि इंडिया और पाकिस्तान का हुआ पार्टीशन. नाउ पार्टीशन के बाद जो ये सारा रीजन है जम्मू एंड कश्मीर का, ये लेजिटिमेटली बिलोंग करता है टू द यूनियन ऑफ इंडिया. अनफॉर्चुनेटली पार्टीशन के तुरंत बाद पाकिस्तान ने कुछ ट्राइबल्स और कुछ आर्मीमैन के साथ यहाँ पे अटैक किया, और ये जो सारा एरिया ये कैप्चर कर लिया. नाउ इसमें सियाचिन ग्लेशियर भी आता था. पाकिस्तानी आर्मी ने तब से लेकर 1984 तक एक फॉर्मूला बनाया कि सिंस सियाचिन ग्लेशियर पर काफ़ी बर्फ़ पड़ती है, काफ़ी ठंड होती है यहाँ पर, पाकिस्तानी सोल्जर्स यहाँ पर टिक नहीं पाते थे, तो उन्होंने सोचा कि ठीक है यहाँ पे कोई वॉर तो होनी है नहीं सियाचिन ग्लेशियर पे, क्योंकि बहुत ज़रा ठंड है, काफ़ी डिफिकल्ट टेरेन है. तो पाकिस्तानी सोल्जर्स ने ये फॉर्मूला बनाया कि सर्दियों में ये लोग सियाचिन ग्लेशियर से उतर जाएंगे, और जब गर्मियाँ होंगी, मतलब कि यहाँ पर जब ठंड कम होगी, बर्फ़ काफ़ी तक पिघल जाएगी, तब ये वापस सियाचिन ग्लेशियर पर चढ़ जाएंगे और यहाँ पर पहरा देंगे, डिफेंड करेंगे अपनी टेरिटरी को. नाउ ये फॉर्मूला पाकिस्तान का चलता रहा 1984 तक. 1984 में एक्चुअली क्या हुआ, इंडियन इंटेलिजेंस को ये खबर मिली कि पाकिस्तान अब सियाचिन ग्लेशियर पे परमानेंट बेसिस बनाने वाला है. इन्होंने कुछ यूरोपियन कंपनी से बात करी है, और इन्होंने स्पेशल सूट्स मंगाए हैं, स्पेशल इक्विपमेंट मंगाया है, जिससे पाकिस्तानी आर्मी सर्दियों में भी सियाचिन ग्लेशियर पे बनी रहेगी. मतलब के साल के 12 महीने पाकिस्तान ने सियाचिन पे रहने के प्लान्स बना लिए थे. नाउ सिंस इंडिया को इसके बारे में पता लगा, इंडिया ने सोचा कि यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है, क्यों ना जब पाकिस्तान ये सब कर रहा है इससे पहले हम कर लें, और सियाचिन ग्लेशियर पे जब पाकिस्तानी आर्मी सर्दी में उतरती है हम यहाँ पे चढ़ाई कर ले और अपने बेसिस यहाँ पर बना ले और सियाचिन ग्लेशियर को कैप्चर कर ले. और बेसिकली यहाँ पर हुआ यही, सियाचिन ग्लेशियर को अप्रैल महीने में, अप्रैल ऑफ 1984, इंडियन आर्मी ने कैप्चर कर लिया ऑपरेशन मेघदूत ने. बेसिकली हुआ ये, पाकिस्तानी आर्मी सियाचिन ग्लेशियर से उतरी ठंड के मारे, हम लोगों ने एरिया को यहाँ पे कैप्चर कर लिया और यहाँ पे अपने बेसिस बना लिए. ना पाकिस्तान के सामने प्रॉब्लम यहाँ पर ये थी कि अब आपका जो एनिमी है वो यहाँ पर एलिवेटेड पोजीशन पे है, वो ऊंचाई पर है और आप नीचे हैं, तो ऑब्वियसली पाकिस्तानी सोल्जर्स यहाँ पे इंडियन सोल्जर्स पर फायरिंग करके अपना लैंड कैप्चर नहीं कर पाते. अगर कुछ करना था तो कुछ वॉर ही स्टार्ट होती. वॉर करने के लिए पाकिस्तान रेडी था नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने 1971 में क्या हुआ था वो देख चुके थे.
फिर एक प्रॉब्लम ये भी थी कि अगर पाकिस्तान वॉर शुरू करता है तो पाकिस्तानी मीडिया उनकी पब्लिक को पता लग जाएगा कि उनकी एस्टैब्लिशमेंट उनकी आर्मी इतनी ज़्यादा इनकॉम्पिटेंट है कि एक बहुत ही बड़ा पीस ऑफ लैंड इन्होंने इस तरीके से गवा दिया। तो पाकिस्तान ने इसको डाउन प्ले कर दिया और इस पर कोई बातचीत नहीं करी, क्योंकि उनको पता था कि उनकी पब्लिक से ही काफ़ी इस पर बैकलैश आ सकता है और इंडिया को बहुत ही साइलेंटली एक काफ़ी बड़ा पीस ऑफ लैंड मिल गया, एक स्ट्रैटेजिक पीस ऑफ लैंड, सियाचिन ग्लेशियर। नाउ सियाचिन ग्लेशियर को 1984 से इंडियन आर्मी प्रोटेक्ट कर रही है और सिंस ये काफ़ी ज़्यादा मैं कहूँगा टॉक्ड अबाउट एरिया है, इस पर बहुत आर्टिकल्स लिखे जा चुके हैं, कई किताबें लिखी जा चुकी हैं, तो काफ़ी टूरिस्ट ओवर द ईयर्स रिक्वेस्ट कर रहे थे कि उनको यहाँ पर जाने की इजाज़त हो। वो देखना चाहते थे कि बेसिकली सियाचिन ग्लेशियर है कैसा, दुनिया की हाईएस्ट बैटल फील्ड बेसिकली दिखती कैसे है। तो इसी चीज़ का ध्यान रखते हुए रिसेंटली राजनाथ सिंह जी जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि लद्दाख हैज़ ट्रमेंडस पोटेंशियल फॉर टूरिज्म, लद्दाख में टूरिज्म का काफ़ी पोटेंशियल है, बेटर कनेक्टिविटी इन लद्दाख वुड सडनली ब्रिंग टूरिस्ट इन लार्ज नंबर्स, द सियाचिन एरिया इज नाउ ओपन फॉर टूरिस्ट एंड टूरिज्म फ्रॉम सियाचिन बेस कैंप टू कुमार पोस्ट, द इंटायर एरिया हैज़ बिन ओपन फॉर टूरिज्म पर्पसेस। ये एक्चुअली हम अब इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ सालों में हमने सियाचिन से जो बाकी लद्दाख का रीजन है उसकी कनेक्टिविटी काफ़ी तक इम्प्रूव कर दी है। 1984 में ये जो एरिया यहाँ पर इसकी कनेक्टिविटी विद सियाचिन ग्लेशियर काफ़ी हद तक कम थी, मगर आज के समय हमने यहाँ पे काफ़ी पासिस पे काम किया है, बहुत से ब्रिजेस बना दिए हैं जिससे कनेक्टिविटी काफ़ी तक आसान हो गई है। इसमें मैं कहूँगा एक रीसेंट एडिशन है कर्नल चिवांग रिंचन ब्रिज जिसको लद्दाख में शायोंग रिवर के ऊपर बनाया गया है, ये आप देखेंगे ये ब्रिज है और इसको इनॉग्रेट कर रहे हैं हमारे डिफेंस मिनिस्टर। ये ब्रिज एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा लंबा है, 1400 फीट का ये पूरा ब्रिज है और ये सिचुएटेड है एट द हाइट ऑफ 14,650 फीट और इसको कंस्ट्रक्ट किया है BRO ने, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, और इसको बनाया गया था सिर्फ 15 महीनों में, रिकॉर्ड टाइम था। सो इस ब्रिज की वजह से और इसके अलावा जो काउंटलेस और ब्रिजेस हैं इनसे जो हमारी कनेक्टिविटी है विद द सियाचिन ग्लेशियर ये काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो गई है। तो अब हम आज के टाइम में ऐसी पोजीशन में हैं कि हमारी आर्मी बहुत ही आसानी से सियाचिन ग्लेशियर में पहुंच जाती है, वहाँ पर जो सोल्जर्स हैं उनको काफ़ी हद तक सप्लाईज हमने प्रोवाइड कर दी है, जो बेसिस हैं वो रिलेटिवली कंफर्टेबल हो गए हैं, मैं ये नहीं कहूँगा बहुत ही आसान है वहाँ पर रहना मगर रिलेटिवली कंफर्टेबल हो गए हैं जितने एक टाइम पे थे। तो ये सब देखते हुए गवर्नमेंट ने फाइनली यहाँ पे टूरिज्म ओपन कर दिया। एक बात मैं यहाँ पे और मेंशन कर दूं कि कर्नल चिवांग रिंचन जिनके नाम पे ये ब्रिज रखा गया है ये बेसिकली एक महावीर चक्र अवार्डी थे, ये यंगेस्ट महावीर चक्र अवार्डी थे इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्मी और इनके पूरे करियर में इनको दो बार महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। महावीर चक्र के ऊपर आपको पता है परमवीर चक्र आता है। सो बेसिकली ये जो स्टेप है टू ओपन सियाचिन ग्लेशियर फॉर टूरिस्ट इसके एडवांटेजेस ये हैं। पहली बात तो आपको बताया कि 31 अक्टूबर 2019 नज़दीक आ रहा है, अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हैं तो आ चुका है, मतलब कि आज के टाइम में कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरीज बन चुकी हैं। तो अब टाइम आ गया है इनके टूरिज्म पे काम करने का, स्पेशली इन द लद्दाख रीजन, और सिंस सियाचिन ग्लेशियर में मोस्टली यंगस्टर्स जो नौजवान लोग हैं ये यहाँ पर विजिट करना चाहेंगे, इससे इंडियन आर्मी को लेकर जो उनका उत्साह है जो एंथुजियाज्म है ये भी बढ़ेगा और मोस्ट प्रॉब्ली बहुत से यंगस्टर्स इन द फ्यूचर ज्वाइन भी करना चाहेंगे इंडियन आर्मी। तो इसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, टूरिज्म को भी इससे काफ़ी बूस्ट मिलेगा और ऑफकोर्स इंडियन आर्मी के जो बेसिस हैं ऑन द वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटल फील्ड एक आम आदमी उसको भी देख पाएगा, ही विल फील इंस्पायर्ड बाय वॉचिंग दैट। सो ये था एनालिसिस इस पूरे टॉपिक का, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।